क्या कर लोगे, और जो भी लग रहा है वो मेरा लग रहा है। भाई सबका परिवार एक जैसा नहीं होता। Hey everyone, good morning, कैसे हो आप सभी? आई होप कि सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज के दिन के साथ एक नए व्लॉग की शुरुआत। तो आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 12 बजे से, और हमारे इधर चंपावत में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। दो तीन दिन से व्लॉग इसलिए नहीं डाला क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, तो कुछ है भी नहीं करने के लिए। सुबह काम किया और फिर आराम किया, बस यही हो रहा था। तो आज भी वही हो रहा है होने को, लेकिन आज सुबह से कंटिन्यू बारिश है, एकदम मतलब रुक ही नहीं रही है बारिश, बहुत तेज़ बारिश है। और हमारे घर पे बाढ़ आ चुकी है, नीचे नदी में, जो हमारे सामने नदी है वहाँ पूरी नदी मतलब इतना तेज पानी आ रहा है ना। पहले तो नदी सूखी थी जब तक धूप थी, और कल परसों से बारिश आ रही है, तो आज तो पानी इतना ऊपर आ चुका है ना, बहुत ज़्यादा आ चुका है पानी ऊपर। अभी दिखाऊंगी मैं आपको। और जब मतलब बारिश नहीं आ रही थी 3-4 दिन पहले कोहरा लगा था, कोहरा लगा, फिर उसके बाद रात से बारिश आ रही है, तो मैं वो क्लिप भी डालूंगी। मैं वो क्लिप बनाई है मैंने, सिर्फ उस टाइम पे कोहरा लगा था, वो भी ऐड करूंगी मैं। तो आज तो बाहर जाने ऐसा भी नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, सब सोए पड़े हैं। और खाना बन चुका है हमारा, दाल चावल, और पापा भी गाँव गए हैं, वो वहीं हैं, फंस चुके हैं। इतनी बारिश में कहाँ इधर उधर जाना हो पाता है, तो मतलब ऐसा हो रहा है ना यहाँ, तो क्या बताऊँ। अभी दिखाती हूँ मैं आपको कैसा हो रहा है नदी का पानी, ठीक है, बाहर भी दिखाती हूँ। तो पहले तो गाइस ये देखिए बारिश, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, वैसे दिख नहीं रहा है इसमें, लेकिन बहुत तेज़ वर्षा हो रही है यार, ये इतनी तेज। और ये खेत भर चुके हैं पानी से, देखो ये अब दिख रहा होगा ना, खेतों से पानी आ रहा है, ये देखो पानी आ रहा है खेत से। और नदी देखो, ये देखो नदी देखी कभी, इतनी खतरनाक नदी। अभी शाम को दिखाऊंगी अच्छे से। तो ये इतना ऊपर आ चुका है पानी, और वो सारी मिट्टी बह गई है पूरी, वो देखो इधर से। तो ऐसा हो रहा है कुछ यहाँ का मौसम, पूरे चंपावत में बारिश ही बारिश है, ये देखो हर जगह बारिश है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ आज इधर बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा। और पानी तो इतना मतलब इतना ऊपर आ गया है ना पानी, मतलब अगर लगातार बारिश रहेगी तो शायद पानी और ऊपर आ सकता है, कोई पता नहीं हुआ। पानी तो हुआ यार, इधर उधर से बह के आता है, क्या भरोसा कब ऊपर आ जाए, डर लगती है मुझे तो। और शाम को दिखाऊंगी आगे जाके, फिर नदी पूरी नदी दिखाऊंगी ऊपर से छत में जाके, ठीक है, अच्छे से। और क्या होता है, आप खाना वाना खाते हैं फिर सो जाएंगे, और काम ही क्या है हमारा, ऐसा ही हो रहा है आजकल बारिश में। और कुछ ऐसे कमेंट आए थे मेरी वीडियोस में, मैंने डिलीट कर दिए, पर मैंने पढ़े वो कमेंट, तो मैं उनका जवाब देने वाली हूँ आज। तो शाम को बैठ के उनके जवाब भी दूंगी, और आपको बताऊंगी क्या कमेंट आए थे, ठीक है। तो बने रहना व्लॉग पे, खाना खा के आती हूँ। तो गाइस अभी बजे हैं शाम के 5, और मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। हाई अलर्ट बताया था आज, लेकिन आज दिन भर बादल लगे थे, पर बारिश नहीं हुई और धूप आई थी। लेकिन अभी मौसम दिखाती हूँ कैसा हो गया है, पूरा कोहरा लग गया है, पूरा रात भर होती है शायद आज झमाझम बारिश, कल भी शायद अलर्ट बता दिया है। अभी दिखाती हूँ मौसम कैसा हो गया है, कुछ नहीं दिख रहा है अब, ये देखो ऐसा हो चुका है कुछ मौसम, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा हो गया है। तो गाइस ये बना है आज हमारा खाना, क्या बनाया मम्मी आपने? मौसा कच्ची बड़ी। तो जाने ना भी जब पका ली खवा ली तब जान ली हो मीठे के कर जा कुना भी मौसा कच्ची बड़ी नाम ना जानी की पकुना है बा वो वाली बड़ी तो देखी है ये नहीं देखी मौसा कच्ची बड़ी भाई कच्ची बड़ी अच्छा कैसी होती है ऐसी होती है ऐसे मांस पीस के भून के उसमें मर्च मसाला डाल के उससे बनाते हैं उससे अच्छा बारिश से क्या कहोगे बारिश बारिश तो बढ़िया कर गया असल में बाहर में गाड़ भी तो आ गई हमारे यहाँ से गाड़ आ गया ये गया चूक ना दी मां से गंगा दाहिने और नाना तो यहीं ना दी गंडक नदी है या सवेठुल नदी हाँ गंडक नदी है इस नदी का नाम मुझे नहीं पता था तो अब हम खाली नौ पे फिर मिल लो बार ठीक है और ये देखिए हमारा तो मुखा ना देखा है भाई के देखा रहा यू
बात करूँ, ये ऐसे पीछे से दिखा रही हूँ ना ना। हेलो गाइस, दाल भात खा जा, आ मैं चटनी बना रहा है। चटनी प्याज यही भाई, पहाड़ खान की भाई हूँ। ये तो अरी सारे हो असु भूता हूँ जी। आओ ए असी खान बात बाकी पूछी जाने भैया। देख देख कोई जा, ये इतना सुंदर है ना, ये सब इसकी तारीफ कर लेते। अभी मेरे दोस्त कह रही है इसको दिखा बल, गंदा इसके भाव बड़े ठहरे ऐसे। तो गाइस खाना वगैरह खा के मैं अपने रूम पे आ चुकी हूँ और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। अब बारिश आ रही है, क्या ही करें, कुछ करने जैसा नहीं है। तो कुछ व्लॉग बनाने के लिए भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहीं जाने जैसा नहीं। तो अब आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, सो के उठ के मिलती हूँ। फिर उसके बाद आपको मैं जो कमेंट किए थे महानुभाव लोगों ने, उनके रिप्लाई दूंगी मैं, ठीक है? फिर मिलते हैं। तो गाइस हमने चाय वगैरह पी ली है और हम बैठे हैं अभी बाहर, बारिश का आनंद ले रहे हैं, नदी को देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं कैसा हो रहा है, नदी का पानी बढ़िया हो रहा, अच्छा डुबकी लगाने जैसा। हमारे साथ ओसी भी इंजॉय कर रहा है। हेलो ओसी, हेलो हेलो, हाई फाई, हाई फाई, हाई फाई का हाँ मेरे को करना है, मम्मी को करना है। हाई फाई, हाई फाई कर, मुझे कर, मुझे भाव कर, भाव कर, उसको कर, भाव कर, इतना बदमाश है, मेरा हाथ पकड़ रहा है, भाव कर, इसको भाव कर, जल्दी कर, गंदा है ये, गंदा वासी, ए फोन गिराएगा, इसको कर, भाव कर, उसको भाव कर, जल्दी जल्दी आ, इसको भाव कर, कर रही हूँ, यहाँ यहाँ ये, भाव करना है, भाव कर, जोर, हाँ, जोर से, बदमाश है, बदमाश। तो गाइस देख सकते हो आप हमारे घर के आगे का सीन, ये ऐसा खतरनाक हो रखा है, तबाही आ रखी है, तबाही। तो देख सकते हो ना, ये सारी मिट्टी बह गई है, ये दो दो तीन तीन नदियां आ रही हैं वहां से, ये देखो ऐसा हो रखा है माहौल, ये पूरी जो सूखी थी वो ऐसी हो गई। अभी कम हो गया है पानी, सुबह यहाँ तक ऊपर तक आया, इधर इन पत्थरों तक, मतलब इन मिट्टी तक, इस मिट्टी तक। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया होगा इतनी बारिश हो रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, मतलब लगातार हो रही है सुबह से। अभी शाम के 5 बज गए हैं, अभी तक बारिश ही होने में है और एक बार भी रुकी नहीं है ये बारिश, लगातार है। तो सब लोगों के यहाँ हो रही होगी ये बारिश जहाँ तक है। तो अभी हमारा चाय पानी हो गया है और आप लोगों ने देख लिया हमारे यहाँ पे नीचे जो नदी है उसमें कितना पानी हो रखा है, पूरा लाल मिट्टी वाला पानी हो रखा है। तो अभी मैं ऐसी बैठी थी तो मैंने सोचा कि कमेंट के रिप्लाई कर दूँ, तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं कुछ लोगों ने, मैं डिलीट कर देती हूँ वो कमेंट पढ़ के, सीधे अच्छे नहीं लगता ना, फिर एक करता है फिर दूसरा करता है तो अच्छा नहीं लगता है वो। तो और फैमिली लोग, मतलब फैमिली के सारे लोग कमेंट पढ़ते हैं मेरे, जितने भी हैं दादालो भाभी मम्मी सब लोग कमेंट पढ़ते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं दिन भर एक्टिव रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो डाल के ऑफलाइन हो जाती हूँ, मैं कमेंट देखती हूँ कौन कैसा कमेंट कर रहा है करके, सबके कमेंट पढ़ती हूँ मैं। तो एक मैंने रील डाली थी, मतलब शॉर्ट्स वीडियो डाली थी अपने पति के साथ, तो उसमें एक भैया क्या कमेंट करते हैं कि अभी बताती हूँ, मम्मी है, मम्मी के सामने मैं ये कमेंट नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि अगर मम्मी के सामने पढ़ूंगी तो वो गुस्सा करते हैं, फिर ऐसे कमेंट के जवाब मत दे। लेकिन बहुत दिनों से देख रही हूँ मैं कि कोई ना कोई तो होता ही है कि गलत कमेंट करके जाता है। मेरे पति के लिए क्या बोला है कि ये तो तेरा पापा लग रहा है। भाई अगर मेरा पापा लग रहा होता तो मैं उससे शादी क्यों करती, मेरे घर वाले शादी क्यों करवाते उससे, है ना, खर्चा तो मेरा वही उठा रहा है, आप तो उठा नहीं रहे हो, ठीक है, पहले तो मैं ये बता दूँ। और जो भी लग रहा है वो मेरा लग रहा है, ठीक है, अपने थोड़ा नज़रिए को ढंग से देखिए पहले, ठीक है, अपना नज़रिया ठीक करिए पहले आप लोग जो भी होते हो ऐसे कमेंट करने वाले। और एक दूसरी कोई एक, मैं नाम नहीं लेती हूँ किसी का, वो मैं जब मायके जा रही थी अपने, तो मैंने अपनी जेठानी के साथ वीडियो बनाई थी और जो रील पोस्ट करी थी उनके साथ भी, स्टोरी मतलब वो उसका क्या कहते हैं, शॉर्ट्स वीडियो डाली थी उनके साथ पहले जो वायरल चली गई थी, उसमें भी इतने सारे कमेंट, चलो मैं तो वो मैंने कमेंट ही ऑफ कर दिया था, खाली फिर किस किस को क्या क्या बोला है ना।
तो मैंने जब मैं अपनी मायके जाती तो हम दोनों एक साथ गए थे, तो पहले दीदी का मायका पड़ता है फिर मेरा मायका पड़ता है, तो हम दोनों अपने अपने मायके गए थे। उनका मार्केट में है और मैं अपने गांव वाले मायके गई थी। तो एक कमेंट करती हैं कि अपनी जिठानी को कहाँ भगा के आई या तेरी जिठानी कहाँ भाग गई। मतलब आप लोगों का अपनी जिठानियों के देवरानियों के साथ अच्छे संबंध नहीं होते हैं तो आप लोग सोचते हो कि हर किसी का ऐसा ही होगा और ये लोग दिखावा करते हैं करके। तो बहन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग एक बार हमारे घर में आके देखिए, हर किसी से बात करके देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा हमारा घर कैसा है, हमारे घर के लोग कैसे हैं, ठीक है। हम लोग अच्छे से जैसे वीडियो में रहते हैं वैसे ही हम सामने से भी रहते हैं, हम कोई दिखावा नहीं करते हैं। पहले मैं बता दूं आपको, मतलब उस टाइम ऐसा इतना गुस्सा आता है और मतलब ये लोग इतने गंदे होते हैं, ये लोग सोचते हैं कि जैसा हमारे घर में चल रहा है वैसे ही सब लोगों के घर में चलता रहता होगा। भाई सबका परिवार एक जैसा नहीं होता, हर किसी के परिवार में सब लोग अलग अलग होते हैं और सबकी मेंटेलिटी अलग होती है, ठीक है। तुम कौन से सन में जी रहे हो वो सोच लो, देख लो जरा पहले। 2024 चल रहा है, इतने पुराने ख्यालात वाले मत बनो। आजकल सबकी सोच अच्छी होती है और मॉडर्न होती है, ठीक है। अपने अपना अच्छे से रहो तो हर कोई अच्छे से ही तुमसे बोलेगा। तो तुमको कोई हक नहीं होता है कि तेरी जिठानी कहाँ भाग गई, ये भाग गई वो भाग गई कहने का, ठीक है। हम जैसे भी रहते हैं अच्छे से रहते हैं, ठीक है। हमारी कभी आज तक लड़ाई भी नहीं हुई और ना हमने कभी एक दूसरे को तू से कुछ कहा है, ठीक है। हमारा हम जैसे रहते हैं बहुत अच्छे से रहते हैं और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। आप लोग ब्लॉग देखते ही रहेगा हमारे, हम कैसे रहते हैं आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एक कमेंट की थी और एक भाई साहब कल क्या कमेंट करते हैं कि इसका पति तो फौज में है और ये घर में ऐसी मौज कर रही है, पता नहीं कुछ इस टाइप का मौज करती है, इसकी सास तो ऐसी है हर जगह भेज देती है, पता नहीं कुछ ऐसा कमेंट किया था। वो भी रात को मैं ऐसी 10 बजे के टाइम पे कमेंट, उस भाई साहब को ऐसे देखते होंगे, इन लोगों को कुछ काम धाम तो होता नहीं है, ठीक है। ऊपर से हमसे कहते हैं ये मौज में, भाई हमारे घर का काम करने तुम आते हो, हमारा खर्चा तुम उठाते हो, हाँ ये बताओ पहले। और क्या बोलते हैं पति फौज में, भाई पति फौज में हम भी घर में कुछ काम करते हैं भाई, वो भी काम करने के लिए गए हैं, ठीक है। अपना घर अच्छे से चले और हमारे घर के लोग अच्छे से रहें, इंजॉय करें, यही सोचते हैं वो भी। हम कोई मौज मौज नहीं करते हैं, पहले तो मैं ये बता दूँ, ठीक है। हम भी मेहनत करते हैं और तुम लोग क्या सोचते हो एक ब्लॉग बनाती है तो इसमें इसकी कोई मेहनत नहीं लगती होगी। भाई अपना सारा काम ख़त्म करके हम ब्लॉग बनाते हैं और ये नहीं कि सीधे सुबह उठते ही फ़ोन पकड़ लिया, कोई काम नहीं करते हैं घर का। भाई घर का सारा काम हमारे ऊपर रहता है। अब हमारी सास है वो तो करेगी नहीं काम, ठीक है, वो करते भी हैं काम, मैं दिखाती हूँ वीडियो में। अब ये थोड़ी ना है कि सारा मतलब वो ही करें, हम कुछ ना करें, हम सिर्फ ब्लॉग बनाएं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे घर में, ठीक है। पहले मैं बता दूँ आपको, मतलब इतनी घटिया सोच कैसे होती है लोगों के समझ में नहीं आता है। और एक कमेंट क्या है कि इसको फौजी पति मिल गया है तो ये इतना पता नहीं, मतलब मैं तो ये सोचती हूँ लोगों को इतनी घटिया सोच कैसी होती होगी, फौजी पति मिल गया है तो ना इसको इसके पति ने बहुत सर में चढ़ा रखा है, कुछ इस टाइप का कमेंट था, ठीक है। मतलब हाँ भाई चढ़ा रखा है सर में, क्या कर लोगे, तुम्हारा तो कुछ नहीं हो रहा है ना, ना तुम्हारा कुछ जा रहा है, तुम लोग सिर्फ एक वीडियो से इतना जज कर लेते हो लोगों को। और क्या बोलते हैं एक फौजी पति मिल गया ये वो सो, भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले बता दूँ तो फौजी पति मिल गया ये वो सो, ठीक है। अब मैं खाली यहाँ पे बोलूँगी तो तुम लोग कहोगे कि हाँ ये अपना वो बता रही है कि इसके वो ये हैं, उसको ऐसा कुछ नहीं है। मेरे यहाँ भी सब फौजी हैं और मेरा मायका है जो वहाँ भी सब फौजी हैं, मेरे मामा लोग भी फौजी हैं, मेरे चाचा दादा सब फौजी हैं, ठीक है, ये बात बता दो। ये कोई वो नहीं है कि इसको फौजी पति मिल गया तो इसको सर में चढ़ा रखा है इसके पति ने, ऐसा कुछ नहीं है भैया, साफ सी बात बता दो। हम वैसे रहते ही नहीं हैं, ठीक है, हमें नॉर्मल रहना पसंद है और हम उस तरीके से रहते हैं। और सर चढ़ाने वाली क्या बात है, क्या सर चढ़ रखी हूँ, क्या दिखा मुझे तुमको मुझ में ऐसा, ये बताओ पहले। मतलब इतने गंदे कमेंट करते हो लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए, इतने लोग मतलब क्या क्या बोलते हैं पता नहीं। और कुछ तो ऐसे होते हैं कुछ लोग कि हाँ उसकी बहू ऐसा कर रही है, उसके घर वाले उसकी सास लोग कुछ नहीं कहते होंगे क्या, वो तो कितनी तेज है और ऐसे कपड़े पहनती है, ये बात। भाई मेरे घर वाले कुछ नहीं कह रहे हैं, मेरा पति कुछ नहीं कह रहा है, तुम लोगों को भी चुल होती है। मैं जब वीडियो नहीं बनाती मेरी सास खुद बोलती है तू वीडियो क्यों नहीं बना रही है, वीडियो बना, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं डाला है, मेरी सास ने मेरे को कितना परेशान कर दिया है, अब इतनी बारिश में मेरे को मन नहीं हो रहा है बनाने का, तो यार मैं तभी बना रही हूँ ब्लॉग। मैंने कहा यार मम्मी ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं अब, तो वो बोली रहने दे कुछ मत बना, मेरे गुस्सा है, मैं चुपचाप इधर आके मैं खुद बैठ के वीडियो बनाने लग दूँगी। मतलब तुम लोगों को समझ में नहीं आता है ना एक बात भी,
कि मतलब क्या कमेंट कर रहे हैं हम, हमारे घर में भी हैं मम्मी लोग, बहन लोग, हमारी जो भी हैं तुम्हारे, वो मतलब उन लोगों को नहीं देखते और दूसरों की वाइफ और बहनों पे ऐसे कमेंट करते हो तुम लोग, मतलब इतना गुस्सा आती है ना ऐसे लोग को देख के, क्या बताऊँ यार। और जो ये कहते हैं कि इसकी सास इसको इतना होगा, मतलब तुम्हें क्या दिक्कत है भाई, मेरी सास ने मेरे से आज तक नहीं कहा है कि तू ऐसा मत पहन और ऐसे ब्लॉग मत बना ऐसा। मेरी सास खुद ब्लॉग में आके, तुम लोगों ने देखा ही है कैसे कैसी है मेरी सास, अब पता तो चल जाता है। जो लोग मिले हैं हम सीरियल में उनको भी पता है कि मेरी सास कैसी है, मैं कैसी हूँ, और जो ब्लॉग देखते हैं डेली ब्लॉग उनको भी पता है, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे गंदे कमेंट मत करिएगा, और हम तुम्हें हमसे तुमको कोई वो नहीं है, बस प्लीज़ गंदे कमेंट मत करिएगा हमारे वीडियोस में, और कुछ नहीं चाहते हैं हम, बस यही चाहते हैं। तो मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, बस मेरा मेन मुद्दा यही था ब्लॉग में कि गलत कमेंट करने वाले, गलत कमेंट ना करने वाला, और कुछ नहीं था। और आप लोगों ने हमारे यहाँ की बाढ़ देखी होगी तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो थैंक यू, बाय।